हाय फ्रेंड्स, मैं सुभद्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्ट्रिक्स हेयर सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ की हूँ, उसके बाद ये रिव्यू कर रही हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि सीरम होता क्या है। सीरम बालों को मैनेजेबल बनाता है, स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, नरिशमेंट लाता है, सिल्की बनाता है और ड्राइनेस को दूर करता है। और सीरम क्या करता है, बालों के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसे कि धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए जान लेते हैं इस सीरम के बारे में। स्ट्रिक्स हेयर सीरम विटालाइज विद वॉलनट ऑयली हेयर पॉलिशिंग एंड स्मूथिंग सीरम फॉर सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। ये हेयर सीरम आपके बालों को पॉलिश करेंगे, स्मूथ बनाएंगे, सॉफ्ट एंड सिल्की बनाएंगे। ये जो हेयर सीरम है मेरा हाथ में इस तरह के पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। और इसका अंदर जो है ये पंप टाइप का है और स्मेल जो है ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन अच्छा है। और मेरे हाथ में जो है ये है 100 ml का और इसका प्राइस जो है 220 रुपया। देख सकते हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से आप परचेस कर सकते हैं। और इसका सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। इंग्रेडिएंट्स है अखरोट का तेल है, पैराफिन है, विटामिन ई है, आलमंड ऑयल है। ये नेचुरल एंड केमिकल दोनों इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, पैराफिन फ्रेंडली है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसका एक छोटा पैक भी आता है 50 ml का, 99 रुपीज़ है। ये अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा है तो आप ले ही सकते हैं। यूज़ आप बालों को मतलब वॉश करने के बाद, अगर लॉन्ग हेयर है तो उनको आप दो तरफ कर लीजिए, हाफ हाफ करके, हाफ में 3 ड्रॉप लेके एकदम टिप से नहीं, सिर्फ बालों पे लगाना है ऊपर से नीचे तक। शॉर्ट हेयर है तो आप थोड़ा 1 से 2 ड्रॉप लेके आप लगा सकते हैं। ये हेयर सीरम हेयर रिलेटेड लगभग सभी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो लोग ऑयल से बोर हो चुके हैं या ऑयल लगाना पसंद नहीं है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो हेयर सीरम है आप थोड़ा सा कम ड्रॉप में लगाएं तो अच्छा है, अगर ज़्यादा लगा दिए तो आपके बाल जो है चिपचिपे दिखने लगेंगे। तो इसका टेक्सचर जो है हम दिखाते हैं थोड़ा सा, देखें ऐसे टाइप का है। और इसको बालों में कैसे लगाना है, ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना है, मिक्स करके अच्छे से फिर ऊपर से ऐसे 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 करके नीचे उतारना है। और जितना भी फिर लास्ट में जो इतना भी बचा रहेगा वो आप ऊपर में लगा सकते हैं। ये हेयर सीरम का और एक अच्छा बात है कि ये जो लोग कलर यूज़ करते हैं बालों में, हेयर कलर लगाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनका जो है कलर फेड नहीं होगा, कलर जैसे कि वैसे ही रह जाएगा। ऊपर से आपके जो कलर है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका कलर किया हुआ बाल जो शाइनी दिखेगा और बहुत सुंदर भी लगेगा। बहुत सारा सीरम होता है जो कलर किए हुए बालों में नहीं यूज़ किया जाता है, अगर यूज़ किए तो ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये सीरम आपके बालों को ग्रोथ करता है, स्प्लिटिंग्स को कम करता है, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब मुझे जैसे लगा कि ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम भी है कि ये अगर जब आप लगाएंगे ना तो हाफ मतलब एक 1 आवर तक आपके बाल को मैनेज करके रखता है और शाइनी भी आपको 2-4 घंटा दे देंगे, उसके बाद फिर से जैसे कि तैसा हो जाता है। तो मुझे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि कैसा है। कि मेरा जो हेयर है थोड़ा सा ड्राई ज़्यादा है तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लगा यूज़ तो करती हूँ लेकिन कुछ देर के बाद मतलब थोड़ा टाइम के बाद जैसे कि तैसा हो जाता है। तो आप पहले यूज़ करके देखिए आपको कैसा होता है, कैसे सेट करके रखता है आपके बालों को। किसी और के साथ ये नहीं भी हो सकता है, मेरे बाल थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई है इसलिए शायद हो रहा है। तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं कि कैसा है और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। अगर आप कोई और प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।